नमस्कार मतक स्वागत करछि मुनिलिमा आज हमर आलोचना होछि इस्तपाद्य मुदाला नंबर 13 बीजेपी एहा को मुद्दा करी विधानसभा भितरे एवं विधानसभा बाहरे विक्षोभ जारी रखिछि गोटे बडे सद्भावना पदयात्रा आरंभ होई शेष होई जाइछि एबे पी बीजेपी ता जीतरे अटल कि जो पर्यंत मुदाला नंबर 13 अर्थात मंत्री प्रताप जेना तांको आइदर बहिष्कार करा जाउ नले से इस्तफा दियंतु नले तांको गिरफ करा जाउ नहले जदि ए भीतर से दोषी नहंती तले राज्य सरकार स्पष्ट कर दियंतु कि से कोनसी प्रकार दोषी नहंती से संपूर्ण भाबरे निर्दोष किछि ओडे करंतु एबली दाबी करछंती आज विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी एवं जो पर्यंत मंत्री प्रताप जेना को विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाय नाही से पर्यंत बीजेपी तार आंदोलन जारी रखे बोली स्पष्ट कर अनेपटे जदि अभी देखा यहाँ नहीं बोलते आज विधानसभा बेस अचल रही है गृह को मुलतवी करा तेज कौन रही है विधानसभा स्थिति से संपर्क जानवाप रही प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती सहित आम सहित जोड़ कांग्रेस नेता देवेन्द्र साहू सी तो साहू प्रथम आपको जीवाप चाहिए सी तो साहू कांग्रेस और बीजेपी उभय विरोधी जदि आम देखा यह मुद्दा करज जिद्र अड़ी बस कार्यानुष्ठान दाबी करपर्यंत कौन प्रकार कार्यानुष्ठान निया मुदाला नंबर 13 विरोध में नाई मु जानी पारुनी माननीय मुख्यमंत्री कौन पाई से लोकटी की विदा करे पांचटी डायरेक्ट मर्डर से 2014 मसीह बारंबार मर्डर कर मांगा को गले 2009 घर मांगा नुहे से सही जाए प्रथम राजनीति स्टडी कले कहले राजनीति जदि जीवन से रही चाहते ये केवल मर्डर कले मु रही पारि से मर्डर थ्योरी रे बर्तन कर प्रथम चेस्टा कर विरोधी किनिया को जी किईगले से कब्जा रही गले जी कि ना मर्डर कले ये थ्योरी से 2014 रु 2021 भितर पांचटी मर्डर करें बारंबार कहते से साहू को मर्डर करा कथा कहतु से विकास जेना को मर्डर करा कथा कहतु से दिव्य सिंह बराल को मर्डर करा कथा कहतु कुलमणि बराल को मर्डर करा कथा कहतु एवं निज दल प्रफुल्ल विश्वाल जी बीजेडी दल ट्रक एक्सीडेंट देखे मारदे मानने यू आप लक्ष्य करेंगे जनकर चरित्र गोटे कथा नुहे गोटे आम कहू ना से नुहे निरपेक्ष तदंत हो जी पांचटी मर्डर कलापर से कैबिनेट रे मंत्री अच्छा छाती बुले की चली पार्टी विरोधी दल दाबी करवा इस्तफा कौन भूल है जदि माननीय मुख्यमंत्री एति बुझी पार ना मंत्री मानू जदि गोटे दिन में विदा कर आगु आप प्रशांत नंद ठार आरंभ कर कमला दास नलिनी महांती पर्यंत रघु महांती प्रताप जेना नैतिकता कुआडे गला नैतिकतार प्रश्न कहीं उठुनी मुत तो जानी पारुनी एठी नैतिकता कथा कोठी रही जाइछि बंदा पड़ी जाइछि जणा पड़ुछि जेंति नैतिकता बंदा पड़ी जाइछि पुलिस अफसर माने असहाय हो गलेनि से माने मुत तो जानी सेलेनि ए लोकटा मर्डर रे इन्वॉल्व अछि से मध्ये असहाय हो हाथ टेकी देइछन्ति उपर गनै छन्ति कोन माननीय मुख्यमंत्री पाकु निर्देश आसीबो ताको गिरफ करिया पई से मध्ये निजे बंचिया पई बारंबार किछि विधायक आनी कि मेली करूछि बारंबार बंचिया पई निजे विधायक मानकु से ठिया करूछि ता सपक्ष रे कहिया पई मु जानी पारुनी मान्यवर मंत्री जदि मांगा भाई एक जगह विधायक होती मंत्री होती मांगा संस्कृति संपन्न जगार निज नैतिक दृष्टि से इस्तफा दे कि देखा एक आदर्शगत जे मु इस्तफा देदेली से कहीं इस्तफा न देखिए तो साहू नवीन निवासी सब पाप धोई दे पवित्र जिते प्रकार आलिगेसन आटू कर लज्जा सरम थे से कथा कही न था जदि से नवीन निवास को एक पवित्र निवास बोली कहते सेठी की से मर्डर करके जाऊा मर्डर करके निजे जानवा दरकार जदि प्रभात पुरुष विजु बाबू से घर था से पवित्र बोली से निजे मानुचावासी कहते अपवित्र माने नुहे जे मर्डर करके ठिया कह जे आसो सब पवित्र होकर गोटे धारणा हो जाए मुझे मर्डर कले मोर कई किए ना मुझे भाव में ऊपर माला सहित तीन माला सहित संपर्क रक्षा कर आश्चर्य लगुच्छी प्रतिबदल नैतिकता बली पड़ी आईन बाटे बाट बढ़ा नजर आसू कौन देखा कर राज्य सरकार से तो साहू आप जी आम सहित रही प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य आज महांगा डबल मर्डर इश्यू को नहीं गृह प्रकार परिस्थिति उपजी देखु नीलिमा निश्चित भाव में आज प्रश्नकाल आरंभ बीजेपी रो विधायक मैंने गृह मध्यभाग आसते विरोधी नेता निज आसन ढड़ा हुई बाचस्पति ध्यान आकर्षण करने चाहते जे महांगा डबल मर्डर घटना
जे रही दिव्य सिंह बराल और कुलमणि बराल हत्या घटन जोभली भाव में सरकार आक्शन ने कथा ने मंत्री प्रताप जेना ना रही 13 नंबर मुदाला हिसाब से एतला रही तो सी कि गृह में बसिपारे जड़े अपवित्र लोक जड़े दागी नेता कि भाव में पवित्र गृह में बसवे से नहीं उद्वेग प्रकाश करते से कही सरकार प्रथम बहिष्कार करूँ जदि कि संप्रति ना तो सरकार यह विषय प्रमाण दिंतु गृह में मुख्यमंत्री निजे बृत्ति रखु मंत्री यह घटन कौन संप्रति ना तेरे जदि संप्रति अच्छी बहिष्कार करूँ संगीन आरोप आनते जो गृह को प्रथम दिन 11:30 पर्यटन मुलतवी कराइला परवर्त समय जो 11:30 आरंभ होता से समय बाचस्पति विरोधी नेता कह सुले और विरोधी नेता जो कहते से समय बाचस्पति अटकई कही किसी नियम ना जे जनक नाँ जब अभोग आ गृह में बसिपारे ना जहाँ नहीं बीजेपी सदस्य मैंने हट्टोल करते और बाचस्पति नाँ अभोग आते बीजेपी विधायक जनरल मिश्र बाचस्पति पक्षपाता करते विरोधी नेता कहवाक सुजोग दूना सरकार को सुरक्षा देवा चेस्टा करते बाचस्पति संगीन अभोग आज गृह में आ आप देखते पूरा तमाम घटना को जहाँ विरोधी नेता अभियोग जहाँ विरोधी नेता आज गृह में बृत्ति रखते जो थे से कहते महाकर डबल मर्डर होगापर प्रफुल्ल विश्वाल जी अपराधी जी अभियुक्त जहाँ नाँ अभोग रही हत्या कराई दुर्घटना सजा जाए अर्थात ट्रक चढ़ा जाए हत्या कराई कि प्रमाण नष्ट से पूरा प्रताप जेना लागी पड़े ये अभियोग आनते कहगला जेतबाड़े रघुनाथ महांती थे आईन मंत्री विरुद्ध कार्यानगला जो बहु अभोग आज निर्यातना दिखाई से समय विरुद्ध कार्यानगला जेल पठागला कि मंत्री नाँ संगीन अभोग रही 302 दफार संगीन अभोग रही भी विरुद्ध कार्यानुन और पवित्र गृह से किभली बस से प्रसंग उठाई थे अंपटे कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा से मैं प्रसंग में सामान प्रसंग उठाई थे से कहते मंत्री जेहेतु दागी नेता हिसाब से गृह में बस गृह अपवित्र हो जाए बहिष्कार करा जाऊ एवं से आप देखिए पूर्व बाचस्पति जो रूलिंग देते से रूलिंग को आधार करी कही जे पूरा प्रसंग आपन कहूँ जहाँ संतोष सिंह सालुजा कही पूरा गोटी गोटी रूप पूरा शुणी जे संतोष सिंह सालुजा वक्तव्य कौन थी गृह संतोष सिंह सालुजा कही जे महेश्वर महांती भली रूलिंग आपन दिंतु महेश्वर महांती पूर्व जो रूलिंग देते सामान घटना सामना को से आसला से ही समय महेश्वर महांती गोटे सामान रूलिंग देते किंतु बाचस्पति कहीं रूलिंग देना उद्वेग प्रकाश करते दाबी करते रूलिंग दिंतु मंत्री बहिष्कार दाबी करी मंत्री कौन संप्रति ना तो गृह में प्रमाण रखा निजे मुख्यमंत्री गृह एक प्रमाण रखु आउ गोटे बड़ कथा हो महांगा घटना को नहीं पूर्व देखिए शनिवार दिन तमाम प्रसंग में आलोचना होता आपको नहीं नाराबाजी होता उभय कांग्रेस और विधायक कांग्रेस और बीजेपी विधायक मैंने गृह मध्यभागे हट्टगोल करते नाराबाजी देते जे मंत्री प्रताप जेना संप्रति अभियोग आसूची कहीं बहिष्कार कराने कहीं गृह में मंत्री बृत्ति रखुना प्रसंग नहीं शनिवार तुम्हें तो पान आज से सामान स्थित देखा चाहिए जोड़ी कालंदी सामल बीजेपी नेता सीता सामल आपको स्वागत करोचना को सीत नेता जन असंतोष पचे आकाश छुईगला मानने विरोध जी विरोध भाष विरोधी दल गुड़िक विरोध कले प्रश्न उठाऊ कि राज्य सरकार एकदम नीरव कौन सी प्रकार कार्यानुषान ना कौन सी प्रकार जो नैतिकता गोटे जिनस नैतिकता आधार मत पचराउचरा करा कि इस्तफा दौना मंत्री तो आश्चर्य लगुच कि ये जन असंतोष पचे वृद्धि पाओ कि मंत्री प्रताप जेना विरोध में कौन सी कार्यानुषानी एमती किसी मेसेज आसुनि कि बाहर को देखु मुख्यमंत्री स्वच्छ निर्मल अमायिक व्यक्तित्व बोली लोकों भितर धारणा अच्छी तेणु आज जहाँ जना पड़ी मुख्यमंत्री कौटिना कौटि भय करुं आक्शन ना जो शक्ति पाखे थिला कौटिना कौटि दुर्बल होने अनुमान हूँ दलियों विधायक मान कंट्रोल न थी पारे से मान क्षमता चली जा भय थी पारे जेहेतु तांकर कौनसी प्रकार बीजेडी रो विधायक अनेक विधायक आलग दल एमएलए होती सीधा साल नियंत्रण न थी पारे अन्य माध्यम सहारा कर शासन चल पारती भय कर आग भाई आक्शन नहीं पार ना मंत्री विरोध में कार्यानुषान घातक साजी पारती भय भी रोच कि बीजेडी से भय रोज आगुरी अनेक मंत्री को बड़ी पकड़ विगत 15 वर्ष इतिहास
दिलीप राय ठारु आरंभ करी रामकृष्ण पटनायक ठारु आरंभ करी अनेक मंत्री मानकु प्रपल घड़ई पर्यंत अनेक मंत्री से बळी पकाइछंती आज जेतेबेले कथा उठुजी माने विभिन्न अपराध रे संसिद्ध थिबा अरुण साहु एवं प्रताप जेना का ना आसुजी मुख्यमंत्री मुह खुलनांडी गृह विभाग रे सांघातिक अभियोग आसी कि अभियोग छोट अभियोग नुहे तो जो परी हत्याकांड कथा कहंतु कि मांगा हत्याकांड कथा कहंतु ता पछरे केवल हत्या राजनीति हत्याकांड नाही गरीबर कथा अछि गरीबर प्रधानमंत्री आवास योजना को केन्द्र करके झगड़ा है तेणु गरीबंकर मसीहा कहुथा गरीबंक दल कहुथा बिजनता दल गरीबंक स्वार्थ जोटी हनन है से संपर्क मुख्यमंत्री निरवता अवलम्बन करुछंती तेणु स्पष्ट बारी होउछि जो कथा आप कहले जे पब्लिक रे विरोध होउछि विरोधी दल विरोध करुछंती तापर भी कहीं मुख्यमंत्री चुप रही मत लगुच दल भितर कंट्रोल ना केतबले विद्रोह आरंभ हो तेणु से आक्शन नहीं पार ना अर्थात जदि मंत्री प्रताप जेना विरोध में आक्शन नि जाए तार रिएक्शन टा दल भितर देखा से भय रही पूरा रही मंत्री प्रहलाद मंत्री केवल प्रताप जेना नुहत मंत्री प्रताप जेना और अरुण साहू दल भितर प्रभावशाली मंत्री हो जाती सब विधायक मान कंट्रोल अच्छा विरुद्ध मुख्यमंत्री आक्शन ना भय कर देवेंद्र साहू रही सीत साहू एते पावरफुल मंत्री प्रताप जेना जे मानने विरोध में आक्शन नि कले रिएक्शन सृष्टि हे दल किसी ना कि विभेद सृष्टि मतभेद सृष्टि आउ किसी बुमेरांग पारे राज्य सरकार राज्य सरकार को घारुची ना आउ कौन एमती रही जाइए मानने हिडन एजेंडा हिडन तथ्य जोड़ा कि जो मंत्री विरोध में कार्यानुषान दि जाए तो राज्य सरकार बुमेरांग हम ना ना मत कहीं लगुच लक्ष्य करेंगे जिते दिन ये दाबी आ जो दिन कूलमणि बराल मृत्यु है पूर्व विकास जेना मृत्यु है मुझुची मान्यवर मुख्यमंत्री के आपको अंधार रखा जाऊा सत्य जिते बमें जो आंदोलन करूँ पीसी सभापति जाते विषय बारंबार भुवनेश्वर घेरव है महांगारे दीतर घेरव है किंतु काली जो कथा उठिला नरसिंह मिश्र कहले विधानसभा डॉक्टर सालुजा कहले से जो कथा काली उठिला आपण बीजेपी ये विरोधी दल नेता उठेले मु भावी कालीर प्रभाव निश्चित भाव मान्यवर मुख्यमंत्री पाखे पड़ी जदि आपको शुणला से न शुणला रकम हे ताले आठारु दुर्भाग्य ओडिशावासी किसी ना गोटे दिन प्रसंग उठे मुख्यमंत्री आखि खोलीगला कान खोलीगला घटना तो मस मस धरी है मंत्री मुख्यमंत्री घटना पर नजर ना टोटाली मुख्यमंत्री तो सब जानते दल तरफ तो कहुए हाईकमांड सब जानते इशारे सब हुए एक कथा कि मंत्री मुख्यमंत्री कान में पहुंची ना ना मोर कहीं विश्वास होते आप देखिए आ भितर मान्यवर मंत्री महांगा को जाइंट जो लोक है ना से बिरीयी बाटिकी लोक ठिया कर फटो उठे तीन माला को चाड़ी कह चाहते मत महांगा लोक एवं चाहते आप देखिए दीदीटा तीन तीन टा मीट कर लोक है आप सात जन लेखा एम एल को लेकिन भुवनेश्वर बिरीयी नहीं लोक दिगला ठिया हुआ फटो उठ से गोटे वातावरण सृष्टि करा चाहते जे मोर किसी असुविधा नहीं मत लोक एमती चाहते मुझे घरे घरे पपुला ए कथाटा को से जो टी पठाऊ से बाबू मैंने मुख्यमंत्री की देखते सर देखु मान्यवर मंत्री जो महांगा जाते लोक आईटा हूँ सत्य घटना आपड़ बास्तव अनुधान करतु एवं मुख्यमंत्री मत जहाँ कहले सी असहाय प्रकाश कले जहाँ जना जा विदा कले का किसी असुविधा हम तक चारिकर जो मैंने घेरी सब कहते ना ये था किसी असुविधा हम ना मुझे दिटा कारण मुदेह करते गुड़ा इश्यू है आगुरी पदे कथा से दिन रात इस्तफा मागुते दाम राउत ठार आरंभ करपेक्षा देखते मुझे से भी जहाँ ना कहले मुझे दशरण ना कही ये जड़े लोक को कौन पर सुरक्षा दि जाऊे चली गले कौन मंत्रिमंडल एमती एपर्त मुख्यमंत्री विदा कर प्रेस कन्फरेन्स कर मुखपत्र मान कह दरकार खाली जनक विरुद्ध कहीदे हेनी मान्यवर मंत्री एथे नहां कहले कि मुझे बीजेडी मुखपत्र मैंने कहते अनुरोध करुच्ची से कहले कि प्रफुल्ल विश्वाल केमी मरीगला पुलिस कमिशनर कहले कि टांगी में कमी मार दिगला ट्रक चढ़ी से विषय रे सांबादिक सम्मेलन ने सूचना दिया जीवनी सीत साहू जमती लगुची कि जो अभियोग आसने प्रेस मीट हेनी प्रेस मीट यह हम कि गणमाध्यम कहीं प्रश्न पचार भूल तथ्य प्रसारण कर गणमाध्यम को नाली आखि देख प्रेस मीट कर सीत सामल रही सीत सामल कौन कहे आपण मैंने विधानसभा भितर विधानसभा बाहर सद्भावना पदयात्रा करेक थर बसिले प्रसंग को उठाऊ आपण दल मुख्य सचेतक रही कहते कि जदि राज्य सरकार जो पर्यटन
कार्यनुष्ठान नै नांति से पर्यंत आंदोलन जारी रहबो किंतु सबु जेंति लागु छि प्रभाव सुने मंत्री प्रताप जेनाक सामना रे नै नै म सि जो कथा कहली पूर्व भी कहली जे गत टर्म तुलना रे इथर आरंभ आपण देखिबे जो मंत्री मंडल मध्ये गढ़ि जंति का का को मंत्री मंडल रे नै जंति तांको दल मध्ये अनेक सीनियर लोक अछंति जे माने मंत्री पद पाइ नांति जदि ये बीजेडी रो पुनः लोक जदि आंकु ऊपर दि जणक एक्शन कर देबे तांको से मेळि कर देबे तेनो से भय तांको ऊपर पूरा आछि एवं ये राजनीतिक शिक्षा पढ़ु तांको ऊपर जन असंग तयारी हो ताको हम ठीक कर नै परबा किंतु जदि दलीय विद्रोह हो जीव ताहाले क्षमता चली जाय संभावना आछि ये क्षमता चली जाय संभावना को नजर रखिकि जन असंत सृष्टि कार्य इलेक्शन हो नहीं चौबीस हम ताको आम सुधार नवा कि विधानसभा भितर एमएलए मान भितर विद्रोह हो अवस्था बार बाजि ये कथा को बहुत हुए परामर्शदाता मान कहे मुख्यमंत्री सब कथा जानती मुख्यमंत्री अगचर किसी हुए ना ये संपूर्ण सत्य सीए नवीन निवास भितर रही भी सब टिकनिक खबर तक थाए ये खबर मत अच्छी ମତେ ମୁଁ ପୁରା କନଭିନ୍ସ ହେଇକି କହୁଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ଉପରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକତା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପ୍ରଭାବ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହାତ ମରାଯିବ ତାହେଲେ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେସ୍ରେ ମାନେ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲିଗେସନ୍ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଯଦି ଜନତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାହେଲେ ଏଇନେ କମ୍ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ ତଦନ୍ତକୁ କାହିଁକି ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି ସେଇ କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଯଦି ହୋମ୍ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନାହିଁ ତିନି ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମେ ପୋଲିସ ଡିପି ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ ଘେର ହୋଇଥିଲା ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତିନି ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ଆହୁରି ବସିଥିଲୁ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ଇଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଇଏ ପୁରା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତ ସାମଲ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଖାଲି ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ସଦ୍ଭାବନା ଯାତ୍ରା କରିବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବନି ମାନେ ସରକାର ବି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳ ବି ଜାଣିସାରିଛି କି ଏମାନେ ଏମିତି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୁପ୍ ପଡିଯିବେ ଏମିତି ହବନି ତ ଆର କିଛି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ହବ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ତ ପଦରୁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଧର୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଧରା ପଡିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ମୋତେ ଧରିବୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆମେ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ କ୍ଷମତା ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇନ ଆଗରେ କେହି ବଡ ନୁହନ୍ତି ଆଜି କ୍ଷମତା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ଗୁଡିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଧରାଯିବ କାରଣ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ନୁହେଁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି କାରଣରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଇଏ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା କହିଥିଲେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସୀତ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ସୀତ ସାହୁ ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତିରୁ ହିଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହେଇଛି ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାର୍ଟକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପାର୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଲା 2016 ବେଳକୁ 16-17 ବେଳକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଆସିଲା ଇବା 2014ରୁ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଓରି ହଉଛି ମର୍ଡର ଆଗେ କରିବି ତା ଦେହରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମର୍ଡର କରିବି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ମର୍ଡର କରିବି ତାଙ୍କ ଥିଓରି ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟା 2018 ପରେ ଆସିଛି ଯେ ମର୍ଡର କଲେ ତା ଆଗରୁ ବା 3ଟା ମର୍ଡର କଲେ ମାଇନାରେ
ସେ ମର୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଗ୍ଲିନିଜ ବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରହିବା କଥା। ସେ ରେକର୍ଡ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋଠୁ ପଇସା ନିଅ, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ, ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବ ମୁଁ ତମକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମାରିବି। ଖାଲି ମହାଙ୍ଗାବାସୀ କଣ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ସରକାରରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚିତ ଜିତିବା କେମିତି କଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି କରିଦିଆଯାଉଛି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫର୍ମୁଲା ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଲୋକ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ମାଷ୍ଟର ବ୍ରେନ୍ ଯେ କାହାକୁ ମୁଁ ରଖେଇ ଦେବିନି। ସଦାମ ହୁସେନ ପରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ। ବିଲକୁଲ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରିବି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଈରେ ମହାନଦୀରେ ବସେଇ ଦେବି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରେସର କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ କରାଯିବ, ଏ ଫର୍ମୁଲା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ମା ପଲିଟିକ୍ସ ର ପରିଭାଷା ପ୍ରତାପ ଜେନା ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଲିଟିକ୍ସ ର ଯୋଉ ପରିଭାଷା ଆମେ ଥିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ବେଳେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ପରିଭାଷା ଆଙ୍କଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ହୁକର କୁକ୍ ଶାସନରେ ରହିବି, ହୁକର କୁକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ରହିବି, ଯିଏ କହିବ ସିଏ ମର୍ଡର ହବ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା, ଏବଂ ଗ୍ରୀନିଜ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋଦି କଣ ଶିଖିବେ ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ରାଜନୀତି ଶିଖିବାକୁ ବସିଲେଣି, ଏଭଳି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତାହେଲେ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ରଖିବ, ଖାଲି ବିରୋଧ କରିବ ନା ଏକ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ? କଂଗ୍ରେସ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି, ଯୋଉ ଦିନ ମରିଗଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ର ଯିଏ ପିସି ସଭାପତି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଶ୍ରେଣୀକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛୁ ଲୋକ ଆର ଜବାବ ଦେବେ। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମର୍ଡର ହେଇଛି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ଲୋକଙ୍କ କତିକି ନବୁ, ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆର ଜବାବ ଦେବେ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏହାର ବିଚାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତ ସାହୁ, ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଆମ ସାଥିରେ ରହିଥିଲେ କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ବିଜେପି ନେତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖିବାର କଥା ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି, କାରଣ ତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯେ ଗୃହ ତ ହୁଲୁସୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଦେଖାଗଲାଣି, ଗୃହ ଭିତରେ ଗୃହ ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସମୟ ଯାଇଛି, ମତକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।